हेलो एवरीवन, आकाश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस की होगी। हमने अल्फ़ाबेट के रैंकिंग को पढ़ लिया था, हमने उनकी प्लेस वैल्यू, रैंकिंग और पे लेटर वगैरह हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था कैसे याद किया जाए, उसका यूज़ अब कैसे होगा, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन के टाइप देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपन क्या क्या कवर करेंगे। तो नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फ़ाबेट टेस्ट जो चल रहा है आपका, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, एनालॉजी, डाटा सफिशियंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन का स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, अजर्सन, ये सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम, आर्गुमेंट्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, पजल्स, पजल्स के अलावा पजल के साथ साथ हम सेटिंग अरेंजमेंट भी कवर करेंगे, और अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, और इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग के सारे टॉपिक, जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एक्सेट्रा, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एक एक करके। इसके अलावा और भी जो टॉपिक होगा, जो आपको लगेगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, उस टॉपिक पे अपन क्लास लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल करने से पहले कुछ बेसिक, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप समझने का प्रयास करिएगा, इजी है, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बोलेगा, यदि आपको प्लेस वैल्यू सारी याद हो गई, प्लेस वैल्यू या रैंकिंग, रैंकिंग यदि याद हो गई है, अब आपसे सवाल कर दिया कि बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट एंड से 15वां, 15th लेटर कौन सा है। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट से तो काउंटिंग अपन ने करनी है, और लेफ्ट से अपन काउंटिंग करेंगे तो हमको पता है 15 किसका है, 15 जो है वो ओ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से, अब देखिए ये तो हो गया आपका लेफ्ट एंड और ये हो गया आपका राइट एंड, ओके ये लेफ्ट एंड हो गया, इधर ए से स्टार्ट करेंगे ये लेफ्ट एंड कहला गया, और इधर जेड से ये जो स्टार्ट करेंगे तो ये राइट एंड कहला गया। अगर बोलता है कि राइट एंड से 10वां लेटर कौन सा होगा, तो क्या आप ए बी सी डी लिख के फिर काउंट करोगे, कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या ये काउंट करोगे? नहीं, अपन को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने पेयर लेटर याद करवाए थे। पेयर लेटर अगर आपको याद हो तो आपको नॉर्मली 10वां लेटर क्या होता है, तो आपको याद होगा कि 10वां लेटर होता है जे, ठीक है। लेकिन अगर राइट एंड से बोल रहा है, मतलब कि जेड की तरफ से गिनने को बोल रहा है, तो जे का पेयर लेटर क्या था बताइए? जे का था क्यू, याद आया, तो सीधे आंसर हो जाएगा क्यू। क्लियर, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां क्यू, क्या इतनी बातें क्लियर है? यहाँ पास समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और। मान लीजिए यदि इस इंग्लिश अल्फाबेट को हम उल्टा लिखें, विपरीत, ठीक है, तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब कितना ही इजी है, बस लॉजिक लगाना है भाई। हम उल्टा लिखेंगे तो उल्टा मतलब वही जेड से नहीं स्टार्ट करेंगे, जेड से स्टार्ट करके हम ए तक जाएंगे, क्लियर। अब जेड से स्टार्ट करेंगे और फिर दाएं से बोला है, दाएं मतलब ए से, राइट एंड भाई, अब राइट एंड तो ये बन गया क्योंकि हमने उल्टा लिखा है, अब राइट एंड ये बन गया, तो ए से हम काउंट करेंगे 10वां, तो ए से हमको पता है सीधी सी बात है कि जे होगा आंसर, सीधे सीधा सीधा। तो ये सब नहीं करना है, बस हमको दिमाग लगाना है कि यदि हम उल्टा लिखेंगे तो ए से काउंट करना हो, ए से 10वां हमको पता है क्योंकि हमने रैंकिंग सारे की सारी रखी। इस तरीके से समय बच सकता है, हालांकि ये बेसिक सवाल है, कई बार ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब आ जाते हैं, एक सवाल और बनता है इसमें से, वो रैंकिंग कहला जाता है लेकिन हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज में, लेफ्ट से एटींथ, ठीक है, का लेफ्ट 10th कौन सा है, का लेफ्ट
कौन सा है, कौन सा लेटर कहलाएगा? तो सीधी सी बात है, इंग्लिश अल्फाबेट। अब समझना बात, इंग्लिश अल्फाबेट से 18। अब आपको 18 तो पता है, आपको 18 तो पता है, 18 किसका होता है? 18 होता है आर का। अब इसका लेफ्ट, अब आर का लेफ्ट किस तरफ है? आर का लेफ्ट इस तरफ है भाई, जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है वही तो लेफ्ट कहलाया। अब आर का लेफ्ट इधर है, अब 10वां गिन दो इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आया क्या? ठीक है, तो अपन को ये तो समझने के लिए था। डायरेक्ट कैसे करना है? डायरेक्ट ये करना है कि लेफ्ट एंड से 18 हमको ठीक है दिया है, तो जब भी लेफ्ट एंड की बात करे और फिर उसका लेफ्ट बोले, लेफ्ट बोले जब भी लेफ्ट लेफ्ट आए, तो दोनों में डिफरेंस निकाल दो। क्या निकाल दो? दोनों में डिफरेंस निकाल दो, और जितना आया है जो आया डिफरेंस, उसको लेफ्ट एंड से, जिस एंड से काउंट करने को बोला है वहां से काउंट कर दो। तो सीधी सी बात है, 18 में से 10 गए तो 8 बचा, तो 8 आपको पता है एच होता है, क्लियर? तो इसको भी आप डायरेक्ट कर पाए कि नहीं? इसके अलावा अगर राइट एंड बोल देता, राइट एंड बोल देता और राइट साइड बोल देता, ठीक, राइट साइड भी बोल देता, क्लियर, राइट एंड और राइट साइड बोल देता, तो भी डिफरेंस निकाल के राइट एंड से हमको काउंट करना था। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है, एक लेफ्ट लेफ्ट एंड बोल दे और राइट बोल दे, आप समझिएगा, देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि लेफ्ट एंड से 10वां, ठीक है, लेफ्ट एंड से मैं यहां लिख देता हूं सवाल, लेफ्ट एंड से 10वां लेटर का चौथा राइट कौन सा होगा, चौथा राइट कौन सा होगा, यही ना? तो अब 10वां क्या होता है हमको पता है, जे। अब इसका चौथा राइट, तो राइट जे का किस तरफ है? इस तरफ। तो गिनो 1 2 3 4, अपन को एन मिल गया आंसर के। तो जब लेफ्ट एंड और राइट साइड बोले, या राइट एंड और लेफ्ट साइड बोले, तो दोनों को आपस में प्लस करके जिस एंड से अपन को काउंट करना है वहां से हम काउंट कर देंगे। जैसे यही वाला देखिए, लेफ्ट एंड से बोला था 10वां और इसका राइट बोला था, देखिए हमको पता है ये होता है 10 10 4 14, 14 किसका होता है? एन का। तो एन ही आंसर आया था कि नहीं आया था? मान लीजिए राइट एंड से 5वें का तीसरा लेफ्ट बोलता, राइट एंड से 5वें का तीसरा लेफ्ट बोलता, तो 5 3 8 और राइट एंड से अपन 8 गिन देते। हालांकि राइट एंड से 8 गिनने की जरूरत क्या, नहीं, आपको क्या करना है, इधर से 8 गिनना है, ठीक, देख लेते हैं, इधर देखिए सब, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा आया कि नहीं? तो जब हम राइट एंड से 8वां जाना है, तो हमको राइट से 8वां नहीं जाना, अपन क्या करेंगे, सीधे अपन लेफ्ट से ही 8वां जाएंगे। किसमें क्या मिलेगा अपन को? एच, और एच का अपोजिट क्या होता है? एस। आंसर एस हुआ कि नहीं? क्लियर? तो हमको इतना लंबा नहीं करना है, लॉजिक लगाना है बस, लॉजिक, क्योंकि तो आपको रैंकिंग याद हो चुकी है, लेटर याद हो चुका है, तो आप आसानी से। चलिए आगे के सवालों पर चलते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे। अब देखिए ये क्वेश्चन आता ही आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बोला हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैटास्ट्रोफे व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। शब्द कैटास्ट्रोफोन में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला में शब्द के रूप में उतने ही अक्षर हैं? इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जैसे यहां देखिएगा, जैसे ABCD, अब ये देखिए ABCD के बीच कितने अक्षर हैं? 3 है, ठीक। EH के बीच कितने अक्षर हैं? 2 है। मान लीजिए कोई स्पेलिंग दे देता है, मैं बोला AXYPEKLH। अब आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई शब्द, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कितने पेयर हैं यहाँ, ऐसे कितने जोड़े हैं अल्फाबेट के, कि उनके बीच उतनी ही दूरी है, इतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। तो हम देखेंगे कि ए से ई तक का गैप देखिए 3 है, ठीक। तो ये देखिए इनके बीच भी 3 गैप है कि नहीं, तो एक पेयर ये मिल गया। अब देखिए ई से एच तक 2 बीच में आ गए, एफ और जी होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, यहाँ भी 2 का गैप आ गया, आ गया ना? तो हमको ऐसे कितने पेयर मिल गए? हमको ऐसे 2 पेयर मिल गए। क्या बात समझ में आई? ये आगे और पीछे दोनों तरफ से काउंट हो सकता, हो सकता है कुछ इस तरीके से। अगर होता, मान लीजिए ये दिया है H, ठीक है, मैं इधर कर देता हूं J, तो अब देखिए H और J उतना ही गैप है जितना कि यहाँ गैप है, ठीक
मतलब एच और जे के बीच एक ही लेटर आता है आई, तो यहाँ एच और जे के बीच एक ही लेटर मिला अपन को, लेटर कोई भी होगा लेटर से मतलब नहीं है, गैप उतना ही होना चाहिए। ठीक है, सवाल का ये पूछ रहा है गैप उतना ही होना चाहिए, तो एक पेयर ये मिल गया कि नहीं, तो आगे से और पीछे दोनों तरफ से काउंट देख सकते हैं। हो सकता है कई बार सवालों में ये बोल दे कि केवल एक तरफ से काउंट करिए, तब हम पीछे तरफ से काउंट नहीं करेंगे, हालांकि ऐसा कम ही होता है, बट हुआ भी तो आप पढ़ सकते देख सकते। क्लियर? तो अब हम इसमें ढूंढेंगे ऐसे, अब ढूंढने का तरीका क्या होगा, देखिए जैसे मैं लिख दिया कैस्ट्रा फोन, ठीक है, अब हम क्या करें, जैसे यदि आपको थोड़ा दिक्कत जा रही है तो समझिए इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, ठीक, 3 1, इसकी 19, इसकी 20, इसकी 18, इसकी 1, 16, इसकी 8, 14, 5। अब देख लीजिए कितना काउंट करने पे आ रहा, क्या जैसे 19 20 अगल बगल आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है, हुआ 16 17 18, ये देखिए 16 ये 17 ये 18, वही गैप हो गया, 5 6 7 8, एक ये मिल गया कि नहीं, 14 15, एक ये मिल गया कि नहीं, है तो 4 तो ये मिल गए, इसके अलावा और कोई मिल सकता है क्या, देखिए 1 2 3 4 5 ये तो नहीं है, 14 15 16 17 18 19 20, एक ये मिल गया भाई, ये देखिए एक ये मिलेगा क्या, 14 15 16 17 18 19 20, और एक इसी प्रकार से ये वाला भी मिल गया, देखिए 15 से काउंट करेंगे तो यदि हम 15 से काउंट करते हैं, देखिए ये है ना 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक, तो इस प्रकार हमको कितने मिल गए, तो ध्यान देना एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम 6, और ऑप्शन भी अपने पास मैक्सिमम 6 है, तो मतलब इसका आंसर यही होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए इसी तरीके का एक सवाल और देख लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करेंगे पहले खुद से ट्राई करेंगे उसके बाद वीडियो को चालू करेंगे। चलिए एजुकेशन, एजुकेशन में हम देखेंगे कि अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला में शब्द के रूप में उतने ही अक्षर, सेम आप ऐसे कर सकते हो एजुकेशन, ठीक, आप यहाँ रैंकिंग दे दो, 5 हो गया, 4 हो गया, 21 हो गया, 3 1 20 9 15 14, तो देखिए 14 15, एक ये पेयर मिला, मिला क्या, एक है, उसके बाद और क्या, 5 4 ये मिला क्या, ठीक, उसके बाद 1 2 3 4, एक ये मिला और 1 2 3 4 5 ये मिला, मिला ना, ठीक, और कौन सा है, और कोई आपको दिख रहा है क्या, 15 16 17 18 19 20, नहीं अब ऐसा हमको तो नहीं दिख रहा है, 1 2 नहीं, बस इतने ही हैं, तो अपन को कितने मिल गए, 4, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर? ठीक है, नर्सिंग में ऐसे अक्षरों कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में, तो ये वाला आपको वर्क में करना है, ठीक, ये कमेंट में आंसर आप करके बताएंगे, यदि कोई दिक्कत जाएगी तो इसको कल अपन, एक टाइप ये होता है कि आप कुछ बिगड़े हुए अक्षर समूह दे देगा, ठीक है, लेटर्स आगे पीछे लिख के दे देगा, बोलेगा व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, हालांकि शब्द ज्यादा टफ नहीं है, बताइए कमेंट करके बताइए कि कौन सा शब्द बनेगा, पहले पॉज करके खुद से देखिए फिर वीडियो को ऑन करिएगा चालू करिएगा, इसमें से बनना चाहिए डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अब बोला है तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन है, तो दाएं, दाएं मतलब राइट, राइट इंडिया हो गया, तो ये एन आ जाएगा, था ना इजी, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते। इसके अलावा एक टाइप ये है, देखिए लिखा है हैंडकर चीफ, शब्द के पहले अक्षर और सातवें अक्षर से स्थान बदल दिए, ठीक है, तो मैं इसको कैसे करना है ये भी बता देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि समझ में आए, तो देखिए अब बोल रहा है हम देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां और 12, 12 अक्षर, ठीक है, पहले को सातवें से, तो पहले को सातवें से आर से, इसी प्रकार
देखो पहले अक्षर को सातवें अक्षर से स्थान बदल दीजिए, इसी प्रकार आगे भी दूसरे को आठवें से, दूसरे को आठवें से, क्रम से छठे अक्षर को बारहवें से, छठे को बारहवें, मतलब ये सब आपस में ऐसे बदलते जाएंगे, ठीक है, ऐसे बदलते जाएंगे, हम इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, ठीक है, देख लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जब भी इस तरीके का सवाल आए तो हमको पूरा लिख के नहीं करना है कि लिख लिया, हम आगे का सीधे सीधे, देखो अगर मैं लिख भी देता हूँ, लिख भी दिया तो क्या आएगा, आंसर मतलब आपका जो सेट होगा आंसर वो ये सेट होगा, ठीक है, ये सेट हो गया। अब बोला है तो बाएं से सातवें अक्षर, अब बाएं से सातवें अक्षर, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात के दाएं तीसरा कौन सा होगा, दाएं आगे एक दो तीन, डी आएगा, आएगा डी, ठीक। तो ये तो प्रोसेस लंबी होगी, लेकिन हमको क्या दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है, देखो जब भी कभी इस तरीके का सवाल आता है, समझना, इस तरीके का यदि सवाल आ रहा है और लेटर्स बराबर हो, मतलब कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ग्यारह बारह, बारह है तो इसको छः छः में तोड़ लीजिए। ये देखिए, जब भी पेयर से सातवें चेंज करें, फिर अगले को उससे आठवें चेंज करें, इस तरीके का आ गया, तो बराबर बराबर में तोड़ लीजिए आप, बराबर बराबर मतलब कि एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः मतलब ये पूरा उठ के आगे चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, यही होगा, तो हमको फर्क नहीं पड़ना स्टार्ट यहाँ से होगा कि नहीं होगा। तो अब बोला है बाएं से सातवां, तो सीधी सी बात है बाएं से छः तो निकल गए, सातवां यही कहलाएगा एच का, तीसरा, तीसरा एक दो तीन, ये आ गया कि नहीं आ, क्लियर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि स्मार्ट वर्क कर, क्लियर है, वो समझने के लिए था, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सवाल इस तरीके के होते हैं, श्रेणी वाले, आपको दे देगा अल्फाबेट की श्रेणी, ठीक है, अब बोलेगा अब अगला क्या होगा, अब अगला, ठीक, ये सीरीज हो गई, अल्फाबेटिकल सीरीज कह सकते। देखिए इसको समझने का प्रयास करके, पहले बी एम ओ का पेयर बना है, फिर ई ओ क्यू का बना है, फिर एच क्यू एस का बना है, तो दिमाग लगाना है कि क्या किया है। तो एक चीज देखिए, ये पहले पहले और पहले देखिए, फिर दूसरे 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 को देखिए, तीसरे तीसरे, कुछ तो रिलेशन समझ में आएगा। अब देखिए अपन देख सकते हैं बी और ई का कितने का गैप है, भाई बी का होता है, देखिए बी एम ओ, फिर लिया है ई ओ क्यू, फिर लिया है एच क्यू एस, तो इनके बीच कितने का गैप आया बताइए, ये दो है और ये पांच, तीन प्लस हुआ कि नहीं हुआ, फिर यहाँ से पांच तीन आठ, यहाँ भी तीन प्लस हुआ, तो मतलब अगले में भी तीन प्लस होगा, तो आठ तीन ग्यारह के आना चाहिए, और के ऑप्शन एक में है, यही है, लेकिन हम फिर भी आगे का चेक कर ले, आगे का हम चेक कर ले। एम का कितना होता है, तेरह, तेरह दो पंद्रह, यहाँ प्लस टू किया है, यहाँ भी प्लस टू किया है, ओ का पंद्रह होता है और ये क्यू का सत्रह, प्लस टू किया है। लास्ट वाले देखिए, इसमें भी प्लस टू किया है, इसमें प्लस टू, यहाँ भी प्लस टू कर दीजिए भाई, क्यू यहाँ सात सात आ जाएगा, और इसमें प्लस टू करेंगे तो 19 और वे यू आ जाए, के एस, ये देखिए कम, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, यदि आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद है तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। कुछ सवाल ऐसे बनते हैं कि आपको ये सीरीज दे देगा, ये सीरीज आपको सामने दे देगा, ठीक। अब बोलेगा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न स्थान पर क्या आएगा, लेकिन ये इस सीरीज का यूज करना है, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इसका उपयोग करना है, उस के बेस पे ये क्वेश्चन सामने या सीरीज रखा है। अब देखिए एल ए जे यू वाई वी ए जे ई वाई वी, अब चेक कर लेते हैं, देखो एल ए जे, यहाँ देखो एल ए और जे, एक एक का गैप बनाया है, ये देखो एक एक का गैप, इसके बाद क्या लिया है यू वाई वी, अब देखो एल के जस्ट बाद वाला लेटर लिया है यू यू, और एक छोड़ के वाई, एक छोड़ के वी, ठीक है भाई, फिर ए जे ई, अब देखो यू के जस्ट बगल वाला लिया है ए, फिर एक छोड़ के जे, फिर एक छोड़ के ई, अब कौन सा लेगा, हमने ए तक तो ले लिया, अब वाई लेगा, तो हाँ यार वाई लिया है यहाँ से, तो वाई वी और आई, वाई वी आई, तो अब कौन सा लेगा, अब लेना चाहिए इसको जे ई और ओ, जे ई ओ, ये है ऑप्शन, क्या क्लियर है इतनी बातें। तो इस तरीके की सीरीज है, ये
यदि कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके बताएंगे। जैसे ये इजी सी है, ये एकदम इजी, इसमें देखिए क्या एच जे एम क्यू 8 10 13 17। तो अब अगला क्या होगा, देखो गैप देखो, +2 +3 +4, तो अब +5 करेगा तो 17 5 होता है 22 और 22 होता है वी का, तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर। एक सीरीज ये भी देखेंगे हम, देखिए इसमें दो दो लिया है ठीक, और इसमें कोई हमको अलग से क्या कोई सीरीज नहीं दिया है या लेटर नहीं दिया है, मतलब इसमें हमको खुद से लॉजिक लगाना है, मतलब किसी लेटर्स का ग्रुप का हेल्प नहीं मिलेगी इसमें। एच का एस किया है, जे का क्यू किया है, एम का एन किया है, तो आई का क्या होगा, याद करो आप लोग पेन लेटर याद किए हो, एच का होता है एस, हनी सिंह से याद किए थे, जैक से याद किए थे जे क्यू, मैन से याद किए थे एम एन, तो आई से इंडियन रेलवे, तो आर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला करके बताइए, पहले पॉज करेंगे खुद से ट्राई करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, देखिएगा इसमें क्या किया, आर के जे एस डी वाई आई, ये उसी टाइप से कुछ रिलेटेड है। देखो इसका होता है 18, इसका होता है 11, क्या गैप किया है चेक करो, 18 11 का गैप, कितने गैप हो गया भाई 7 का, यहाँ कितने का गैप हो गया भाई 10 और 19, यहाँ तो 9 का गैप हो गया, यहाँ कितने का गैप हो गया 4, और नहीं ये गैप नहीं है, गैप नहीं, ये गैप नहीं है, कुछ और है। चलो पेयर लेटर से देखते हैं क्या किया है। आर का क्या होता है, आर का होता है आई, और आई में +2 कर देंगे तो के आएगा, तो आर के बनेगा, बनेगा क्या। इसी प्रकार जे में किया चेक कर लेते हैं, जे का पेयर लेटर तो क्यू, +2 करेंगे तो क्या बनेगा एस, एक्चुअली यस 17 2 19, तो ये बना जे एस। डी का भाई डी का होता है डब्लू, डब्लू में +2 करेंगे तो वाई आएगा, बिल्कुल आ गया है। तो इसी प्रकार आई का होता है आर और +2 करोगे तो टी आएगा, तो आई टी हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अल्फाबेट टेस्ट के और भी क्वेश्चन जो और टाइप है वो अगली क्लास में लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट होगा बताइएगा, कौन से टाइप समझ में आए, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।